हाय स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो सम है उसमें 8/5 और 4/5 इन दोनों को हम प्लस करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर, जैसे 8/5 और 4/5 है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या मेथड होता है कि ये जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं दोनों को ऐसे करके, और डिनोमिनेटर को एज इट इज ऐसे एक बार में ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 8+4 क्या हो गया, 12, और 5 एज इट इज आ गया। वेरी नेक्स्ट सम है, ये आपको टू फ्रैक्शन है, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन को मैं आपको ऐड करना बताऊंगी। ठीक है, सेम इसमें भी इसी तरह ही करना है हमने, जैसे हमने ये 2 फ्रैक्शन को ऐड किया था इसी तरह हम तीन ये नंबर जो 3 फ्रैक्शन दिए इसको ऐड करना मैं बताती हूँ। इसमें हम सेम ऐसे ही करेंगे कि जो ये 2, 5 और 3 ये जो ऊपर नंबर लिखे इनको हम प्लस कर देंगे, और जो 7 डिनोमिनेटर है इसको हम एज इट इज एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो तीनों को प्लस करके क्या हुआ, 2+5 7, 7+3 10/7। ठीक है, अब ये तो वो सम थे जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, यहाँ पे 5 सेम है, यहाँ पे सभी में 7 सेम है। ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम कैसे ऐड करेंगे फ्रैक्शंस को, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये 3/5 और 1/4 को हमने प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे करके। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4, फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब 5 और 1 को मल्टीप्लाई कर दें, 1 × 5। ठीक है, और नीचे वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 = 12, प्लस 1 को 5 से किया, 1 × 5 = 5, 5 को 4 से किया, 5 × 4 = 20। तो ये क्या हुआ, 12 और 5 को प्लस किया, 17/20। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम 3 फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं वो आपको सिखाऊंगी, और उसमें डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। ठीक है, जैसे 3/4 है, 4/5 और 2/3 फ्रैक्शन है, इसको हमने ऐड करना है, लेकिन इसमें देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सभी का डिफरेंट है। तो अगर 3 फ्रैक्शन दिए हैं उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो उसका क्या मेथड होता है, तो वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ 4, 5 and 3। 3 का एलसीएम लेंगे, तो कैसे लेते हैं एलसीएम, वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया गया कैसे एलसीएम निकालते हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देती हूँ। हमने एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, और ये जो जिसका हमने एलसीएम निकालना है वो नंबर यहाँ पे कॉमा डाल के लिख लेने हैं, और फिर हमने वो नंबर लेना है जिससे, वो प्राइम नंबर लेना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं कम्प्लीटली, या फिर कोई 2 डिवाइड हो जाए, या एटलीस्ट 1 तो डिवाइड जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, 4 है तो 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 × 2 = 4, 5 नहीं आता 2 के टेबल में, 5 एज इट इज आएगा, 3 नहीं आता 2 के टेबल में तो 3 भी एज इट इज आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 है, ये 2 के टेबल पे चला जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता, एज इट इज आ गया, 3 भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम इसको 3 के टेबल पे जाएगा, ये 1 एज इट इज आया, तो 5 3 के टेबल में नहीं आता, 5 एज इट इज आ गया, 3 × 1 = 3, और फिर ये 5 के टेबल पे जाएगा, 1 एज इट इज आया, 5 × 1 = 5, और 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 1 आ गया, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो एलसीएम क्या होता है, ये जो नंबर है साइड में आए इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे, 2 × 2 × 3 × 5, तो क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई करके 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, और 12 × 5 = 60, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इनको ऐड करने के लिए मैं इनको दोबारा नंबर, ये तीनों फ्रैक्शन को मैं दोबारा लिखने लगी हूँ, 3/4 + 4/5 + 2/3। अब इसको अब ध्यान से देखना कैसे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
ये जो 4, 5, 3 इसका जो एलसीएम आया 60, ये एक लाइन लगाएंगे, 60 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमने पहला फ्रैक्शन देखना है, इसमें क्या डिनोमिनेटर 4 है, तो क्या करेंगे हम, ये जो 4 है 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4 1 का 4 2 बच गया, ऊपर से 0 आया, 4 5 का 20 तो ये आ गया 15। अब क्या करेंगे हम, 3/4 का लिया था ना पहला, तो हम ये ऊपर वाला जो 3 है इसको यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन डाला, और ये जो 15 क्वोशेंट आए इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये प्लस का साइन है यहाँ पे डाला, ये 4 है, ये 4, ठीक है, लिख दिया। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो दूसरे फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर 5 है उसको हम क्या करेंगे, 60 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमने 60 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 द 5 1 बचा, 0 पर आया, 5 2 का 10 तो ये 12 आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर 4 है ऊपर वाला नंबर 4 हमने लिख दिया था पहले, अब इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और ये 12 इसके साथ लिख देंगे, और फिर ये प्लस का साइन यहाँ पे डाला, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 60 को, ठीक है। तो 60 को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 से, 3 2 द 6 0, 3 0 द 0 तो ये आ गया 20। अब क्या करेंगे, ये वाला 2 यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, ये जो आ गया 20 यहाँ पे लिख देंगे। हाँ जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 का 45, फिर ये प्लस का साइन डाला, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 का 48। ऐसे तो आपको टेबल आनी चाहिए, नहीं आते तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। फिर ये प्लस का साइन डाला, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40, और जो 60 था वो एज इट इज नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, 45 48 और 40 को, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, नीचे आपको करके दिखा रहे, ठीक है। तो ये सारा रफ वर्क चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, 45 48 और 40, ठीक है। तो प्लस करेंगे हम, तो ये आ गया 8 और 5 13 1 ऊपर, तो ये आ गया 4 4 8 4 12 और 1 13, तो ये आ गया 133, और नीचे 60 एज इट इज आ गया। तो ये था 3 नंबर को जिसका जो डिनोमिनेटर डिफरेंट है कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा कि फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। थैंक यू।